सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगा, क्योंकि जो डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं और 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया है। आई थिंक आप सभी को 7 दिन 8 दिन पहले ही पता चल गया था, 9 सितंबर को, जो कि यूपी के शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से हम सभी को पता चला था। लेकिन जो पीएनपी थी, अभी तक कोई भी शासनादेश, आप कह सकते हो लिखित तौर पर कोई भी नोटिस नहीं जारी की थी। जो कि हमने कल या परसों आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जब पीएनपी से वार्ता हुआ था तो उन्होंने कहा था कि शासनादेश कल शाम या कल सुबह तक शासनादेश जारी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कल शाम को ही जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन हमने क्लासेस चलाया। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अक्टूबर माह में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। लेकिन मेरा यही सजेस्ट था कि वो अगर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम करवा के सेकंड सेमेस्टर उसी के आधार पर नंबर दे दिए होते और सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिए होते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से की थी, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी हो रही थी, लेकिन इस कन्फ्यूजन में वो नहीं कर पाए कि आखिरकार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या फिर सेकंड सेमेस्टर का। और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु है उनका भी यही हाल है, वो भी यही सोच रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और वो भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं कर पाए हैं, तो चलिए उनका तो ठीक है। लेकिन जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक जाता है तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक जाएगा। और आप देख सकते हो आपके पास जो टाइमिंग है मात्र 10 से 12 दिन टाइमिंग है। अब आप खुद सोचो कि आप अगर अपनी तैयारी अगर इतनी भी लापरवाही करते हो तो फिर इसका भुगतान भी आप सभी को ही करना होगा। आप सभी की क्या राय है, क्या पीएनपी को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवा के और सेकंड सेमेस्टर उसी के आधार पर प्रमोट कर दी होती तो इतना ज़्यादा, मतलब अब बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में यस करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नोटिस देख लेते हैं जो कि ऑफिशियली जारी हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दिनांक 16 सितंबर 2020 यानी कल शाम को ये नोटिस जारी हुआ, जो कि प्रेषक यानी जो सेंडर है राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। और सेवा में किसको भेजा गया है तो एससीईआरटी को भेजा गया है, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है, जिसमें जो विषय है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित किए जाने वाली सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अवशेष परीक्षाओं को संपादित कराए जाने के संबंध में यहां पर सुझाव और दिशा निर्देश दिया गया है, जो कि आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये बात पहुंच सके जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, आपने फीस जमा किया है, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सुझाव दिशा निर्देश। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो ज्ञापन है पीएनपी को भेजा गया, पीएनपी जो है एससीईआरटी को, उसके बाद जो एससीईआरटी है वो शासन को जो प्रस्ताव था, ज्ञापन था, उसको भेज दिया था, ठीक है। जिसके बाद यह निर्णय आया कि जो डीएलएड 2019 और 2018 बैच के हैं, जो यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई। लेकिन आज पीएनपी जो है वो लिखित रूप पर नोटिस जारी कर दी है, जो कि चूंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ हम यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से
जैसे कि फ्रेंड्स आपसे भी के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आखिरकार जो पीएनपी है वो नोटिस जारी क्यों नहीं कर रही है, अभी भी डाउट्स थे क्या पीएनपी एग्जाम कराएगी या फिर नहीं, लेकिन शत प्रतिशत सही थी न्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हो डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 यानी जो 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जो भी प्रशिक्षु यानी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो उन्हीं के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट प्रदान किए जाए तथा तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा अक्टूबर में। ये आप देख सकते हो आपके पास जो टाइम है बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर 2020 में तत्समय कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो यहाँ पे कह रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर यानी डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% प्रमोट प्रदान की जाए तथा प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट प्राप्त प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है तत्समय कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे जिसके परीक्षाएं मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। तो फ्रेंड्स अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो तो फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो खतरा हो सकता है, इसलिए जो सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से आप सभी कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से एनटीटी परीक्षा 2015 और 16 यानी ये आप सभी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए बैक से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि बैक का कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जो जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि जो वो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक और बात, आप सभी के ये डाउट्स आ रहे हैं कि क्या हमारा जो पेपर होगा वो एमसीक्यू में होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो इस नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लिखित रूप में होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, इसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा और अक्टूबर माह में ही एग्जाम करवाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है डीएलएड का जो एग्जाम है 3 दिन में खत्म हो जाता है और जो पीएनपी है कभी भी नोटिस जारी कर देगी, इसलिए जो आप अपनी तैयारी है वो बिल्कुल तैयार स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पीएनपी जो है इसको ये करना चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा के सेकेंड सेमेस्टर का उसी के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए था। आपकी क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में यस और नो करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ बैक से रिलेटेड और भी इंटर्नशिप से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, हम उस पर इन्फॉर्मेशन देने की जरूर प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।